अनामी का सिंह और आप देख रहे हैं डी न्यूज। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली का हर शहर अब दिल्ली का शाहीन बाग बन गया है। उन्होंने यह बात एनआरसी सीएए के खिलाफ राजधानी पटना के सब्जी बाग में चल रहे धरना कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने दो टूक कहा कि इस कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि यह जन विरोधी कानून है। तेजस्वी ने कहा कि इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बता दें कि सीपीआई के कन्हैया कुमार, जाप के पप्पू यादव और तेज प्रताप यादव के बाद तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके साथ यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि माँ और मुल्क नहीं बदले जाते, ऐसे में बीजेपी और संघ का देश नहीं है जो बात बात पर कहते हैं पाकिस्तान चले जाने को। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार बेचैन है, इसलिए मानव श्रृंखला बना रहे हैं। इसमें जबरन लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल कराया गया। इस पूरे प्रकरण में सीएम नीतीश कुमार सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं, जबकि कहानी ये है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, देश जल रहा है और नीतीश कुमार चुप। ये भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग कान खोल करके सुन ले एक बार कि मां और मुल्क बदले नहीं जाते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कई जिले में आए वीडियो की चर्चा करते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चों को ट्रैक्टर टेम्पो पर जानवरों की तरह लादकर मानव श्रृंखला में लाया गया और उन्हें जबरदस्ती लाइन में खड़ा कर दिया गया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि ठंड के चलते बच्चों को स्कूल में छुट्टियां दे दी जाती है, लेकिन इसी ठंड में छोटे छोटे बच्चों को सुबह से लाकर कतार में लगाया गया, इस वजह से कई बच्चे बीमार पड़ गए। सरकारी पैसा का हो रहा है दुरुपयोग। तेजस्वी यादव ने जल जीवन हरियाली पर हो रही यात्रा को और मानव श्रृंखला को महज दिखावा बताया। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ने मामले से भटकाने की कोशिश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तेजस्वी ने इसे सरकारी पैसा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है।